यूक्रेन की राजधानी की पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कीव में भारतीयों से मिले पीएम मोदी, लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, लगाए मोदी मोदी और भारत माता जय के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 6 से 7 घंटे यूक्रेन में मौजूद रहेंगे। अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा सप्लाई को लेकर भारत अमेरिका में हुआ बड़ा सैन्य समझौता। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा भारत अमेरिका के सैन्य संबंध मजबूत। अमेरिका में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है भारत, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक, मीटिंग में जी किशन रेड्डी, राम माधव मौजूद, प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा संभव। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आप सरकार पर हमला, कहा केजरीवाल सरकार में बुजुर्गों को पिछले 5 महीने से नहीं मिला पेंशन, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हो जाएगी साफ। 5-5 महीने से बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है, ये दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और जमानती सिसोदिया के घूमने से कुछ नहीं होगा। अब ये दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, केजरीवाल जाएंगे। वृद्धा पेंशन पर बोली आप मंत्री आतिशी, कहा पिछले कुछ महीनों से 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी, केंद्र सरकार ने रोक रखी थी पेंशन। पिछले 5 महीने से इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। ओडिशा विधानसभा चुनाव में जोरदार हंगामा, विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर के आसन के सामने जमकर हंगामा किया। रांची में युवा आक्रोश रैली पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा हेमंत सोरेन ने झारखंड को अराजकता के गर्त में झोंक दिया, न्याय और अधिकार की लड़ाई को कुचला नहीं जा सकता। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीर आई सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का युवाओं को संदेश, कहा अगले 2 साल में युवाओं को 2 लाख नौकरी देने का लक्ष्य है। हम लोग 7,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नए राजनीतिक पार्टी बनाने के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज। चंपई सोरेन ने कहा आज हमारे नए अध्यक्ष का दूसरा अध्याय का दूसरा दिन, 1 हफ्ते बाद करेंगे बड़ा खुलासा। हम जब नया अध्याय में आज दूसरा दिन है, हम किसी का विकास क्रम का उसका आलोचना नहीं करें, हम अपना हम बता सकते हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर हमला, कहा हेमंत जी सत्ता का दुरुपयोग कर युवाओं के आक्रोश को नहीं रोक सकते, झारखंड की युवा शक्ति आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। उत्तराखंड के बजट पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा हमारा सामान्य बजट था, वो बजट ठीक तरह से धरातल पर उतरा, बजट में केंद्र की योजनाओं को ज्यादा लेने का प्रावधान। जो हमारा सामान्य बजट था वो बजट ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे और हमारा अन्नदाता किसान इनको प्रमुखता से रखा है। संजय रॉय को लेकर निकली सीबीआई और कोलकाता पुलिस कोर्ट के लिए रवाना, आज पेशी होनी है। कोलकाता केस में संदीप घोष से फिर पूछताछ, कल भी सीबीआई ने की थी 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ, पिछले 7 दिनों में अब तक 88 घंटे से ज्यादा सीबीआई संदीप घोष से कर चुकी है पूछताछ। कोलकाता कांड को लेकर शहजाद पूनावाला का बंगाल सरकार पर हमला, कहा सरकार को अभिया को न्याय दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं, टीएमसी इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लथाड़ लगाई है कि सरकार ममता दीदी की निर्ममता से बलात्कारियों के साथ खड़ी है, सबूत मिटा रही है और बेटी को न्याय दिलाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप, मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज, कोर्ट की अनुमति के बाद सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर का कराएगी पॉलीग्राफी टेस्ट।
पहले नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने बधाई दी और कहा हमें अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व है। पीएम ने एक वीडियो भी शेयर किया। देश मना रहा है अपना पहला अंतरिक्ष दिवस। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को समर्पित है कार्यक्रम। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले स्पेस डे को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में विजेताओं को किया सम्मानित। दिल्ली के भारत मंडपम में पहले अंतरिक्ष दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चंद्रयान और अंतरिक्ष से जुड़ी प्रदर्शनी रखी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, कहा पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, करीब 10 पालियों में होगा एग्जाम, सुरक्षा व्यवस्था पक्की है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर बोले लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर अमित वर्मा, कहा परीक्षा का पहला दिन महत्वपूर्ण, सभी केंद्रों पर तैनात की गई है फोर्स। पुलिस भर्ती को लेकर डीजी और प्रोन्नति बोर्ड राजीव कृष्ण का बयान, कहा अभ्यर्थियों के लिए किया गया निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध, परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं 17,000 सीसीटीवी। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला, कोर्ट ने खारिज की बिल्डिंग मालिकों की जमानत याचिका। जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल तैनात, महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तैनाती हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बीएमसी और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश, कहा तुलसी झील है बिहार, झील का निरीक्षण करें, पानी की समस्या का होगा समाधान। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एडीएम के ऑफिस पर डीएम का छापा, एनएचएआई के मुआवजे से जुड़ा है मामला, 3 कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नई सुधारा अस्पतालों के हालात, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, वीडियो में अंधेरे में नजर आ रहे हैं मरीज। नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में गिरी, बस में सवार थे 40 भारतीय, डीएसपी दीप कुमार राया ने हादसे की पुष्टि की। मध्य प्रदेश के इंदौर में फार्म हाउस की छत गिरने से हादसा, छत के नीचे दबे 6 मजदूर, कई मजदूरों की मौत की जताई जा रही आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में फार्मा स्टेज में आग लगी, घटना में 4 कर्मचारी घायल, सीएम ने घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में खड़ी बाइक अचानक आग लग गई, आधी बाइक जलकर खाक, बैटरी के वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। शिमला के लक्कड़ बाजार में पुरानी इमारत का हिस्सा ढहा, कई गाड़ियां भी चपेट में आई, किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। पुणे में स्कूल वैन ड्राइवर की पिटाई, ड्राइवर पर स्कूल की बच्ची से अश्लील बात करने का आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। गाजियाबाद मेट्रो में जमकर चले लात और घुसे, मामूली कहासुनी को लेकर 2 युवकों के बीच मारपीट, हाथापाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला आया सामने, आसपास के कई गांवों में मिल चुके हैं फर्जी प्रमाण पत्र, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद, चाचा भतीजी को मारी गोली, चाचा की हालत गंभीर, भतीजी की मौत। पंजाब के पटियाला में रमनजीत सिंह को लाया गया सिविल अस्पताल, नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कार सवार दंपत्ति और बच्चों पर ग्रामीणों का हमला, जान बचाकर भागे कार सवार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बदमाशों का खौफ, लोगों ने इकट्ठे होकर रखवाली की, 4 दिन पहले 2 घरों में हुई थी लूटपाट। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग की मौत से लोगों में गुस्सा, सड़क पर शव रखकर गांव वालों का प्रदर्शन, करंट लगने से हुई थी बच्चे की मौत। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है, मलबा आ गया है, रास्ते को साफ किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा रूट पर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, पहाड़ के मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हुई, मरने वाले सभी लोग नेपाल के रहने वाले। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, रुद्रप्रयाग में लोगों के दबे होने की खबर, मौके पर रेस्क्यू जारी। देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में घुसा नदी का पानी, लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, आमजन की परेशानी बढ़ी। मथुरा बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, प्रेम मंदिर के बाहर भी जल भराव हो गया है, लोगों को दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पायलट बाबा को दी विधि विधान के साथ भू समाधि, देश विदेश से श्रद्धांजलि देने पहुंचे अनुयायी। रूसी सेना ने किया मिसाइल युद्धाभ्यास, बोट पर R-19 मॉस्केट क्रूज मिसाइल को लोड करने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन ने पहली बार रूस के
क्रॉस नौदर पर हमला किया, काले सागर पर कावकाज बंदरगाह पर रूसी तेल सुविधाओं को तबाह किया। रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है, खेरसोन में BM-21 ग्रेड MLRS में बरसाए गए आग के गोले, रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया, AFU जनशक्ति क्लस्टर को किया तबाह। युद्ध क्षेत्र में खाद्य सामग्री पहुंचाती है रूसी सेना, UAV की मदद से पहुंचाया जाता है खाद्य पानी और गोला बारूद। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा बुक M1 SAM सिस्टम के कर्मचारी हवाई हमलों से सैनिकों की करते हैं सुरक्षा। गाजा पट्टी में हुए इजरायली हमले में घायल हुआ बच्चे का इलाज जारी, तस्वीरें सामने आई, बच्चे की आंख में चोट लगी है। चीन में लगातार बारिश के कारण मची तबाही, जिलेन प्रांत के चांगबाई पर्वत पर गिरी चट्टाने। जापान में JR होक्काइडो नेबो फैक्ट्री में आग लगी, ट्रेन को तोड़े जाने से निकलता दिखा सफेद धुआं। अर्जेंटीना के बेरिसो में रिफाइनरी में लगी भीषण आग, टैंक फर्म की एक लाइन पर लगी आग, येलो अलर्ट कमेटी एक्टिव। आइसलैंड में फिर फटा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बहता दिखा आग का दरिया।